तो सूक्ष्म मृद विज्ञान और हमारे यूनिक हेल्थ कंसल्टेंसी के सुधी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा। आज का विषय थोड़ा सा अलग है इस वीडियो का, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे। आपने सुना होगा कि एक हुंजा घाटी है हिमालय पर्वत पर, जो आजकल गुलाम कश्मीर यानी कि जो पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ती हुंजा वैली, वो पहले भारत का हिस्सा थी और हम तो ये मानते हैं कि वो आज भी भारत का ही हिस्सा है। अनाधिकृत रूप से कब्जा भले ही पाकिस्तान ने कर लिया हो, पर वो जगह तो हमारी है। और मैं आपको बता दूं कि ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इतना जो भी है, सब ये सब भारत ही है। राजनीतिक कारणों से भौगोलिक अवस्था बदलने को हम नहीं मानते। हम अखंड भारत के, हम चाहने वाले हैं और हमारी इच्छा है कि ये अखंड भारत पूर्ण बने। तो हुंजा घाटी के लोग 150 साल, 200 साल तक आराम से जीते हैं। बताया ही जाता है कि वहां पर 90 साल की महिला भी गर्भवती होकर के संतानोत्पत्ति करती है। और आप लोग हंसेंगे, लेकिन ये सत्य घटना है कि हुंजा वैली के जो लोग रहते हैं, वहां की 90 साल की किसी बुढ़िया को अगर आप देख लेंगे तो आपको लगेगी 30 साल की, और आप उससे शादी करने को तैयार हो जाएंगे। ये बात हंसने की थी, लेकिन ये हंसने की बात नहीं है। वहां पर तो ऐसा स्वास्थ्य, ऐसी जो आयु उनको मिली, वो किस कारण से मिली? जापान में भी 200 वर्ष तक के लोग जीवित रहते हैं। हमारे यहाँ भी हिमालय पर्वत पर, जो ऊंचे पहाड़ों पर काफी लोग रहते हैं, उनकी उम्र काफी हो जाती है और दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। बहुत सारे लोग 100 साल से ऊपर के मिलेंगे आपको। जब हमारे यहाँ मैदानी इलाकों में भी 100 साल तक लोग जी जाते हैं, तो फिर ऐसे स्थानों पर जहाँ पर कि वायु स्वच्छ है, वहाँ के लोग ज्यादा जीवित रहते हैं। जीवन का संबंध वायु से अत्यधिक है। शास्त्र में प्रमाण है, इसमें बताता हूं मैं। वायुरायुर्बलमायुर्धाता वायु शरीराम वायुर्विश्वमेवं सर्व प्रभुर्वायुश्च कीर्तितः। इस श्लोक में बताया गया है कि वायु आपकी आयु की रक्षा करता है, इसलिए वायु ही आयु है। आयु ही बल का मुख्य स्रोत है। वायु शरीरधारियों का पालन करता है। वायु से इस समस्त विश्व की स्थिति है, इसलिए वायु को प्रभु कहा गया है। चर्वा ही चेष्टा वातस्य सह प्राणा प्राणिनाम स्मृता तेनैव जायते रोगस्तेन चैवोपशाम्यति। सभी प्राणियों को, सभी क्रियाएं उनकी जितनी हैं, वायु की क्रियाएं हैं, अर्थात वायु के कारण ही होती हैं, इसलिए उसे प्राणियों का प्राण कहा गया है। वायु से ही रोग उत्पन्न होते हैं और उससे ही शांत होते हैं, दूर होते हैं। तो ये शास्त्र का प्रमाण है कि वायु को शुद्ध कर लिया जाए, वायु का सम्यक आप आहार करें, तो फिर जो है आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। दैहिक दैहिक दैविक और भौतिक मानसिक सारे रोग आपके दूर हो जाएंगे। तो जब कोई
योग क्रिया सिखाने वाला आपको कहता है कि आप अनुलोम विलोम करें, कपाल भाति प्राणायाम करें, या और भी प्रकार के आप जो है योग करें, जिससे कि वायु या प्राणायाम सही तरीके से हो तो वायु का गमन शरीर में हो। अब आप जैसे देखें कि आप वायु को धारण करें, जैसे लंबी सांस खींच करके और आप वायु को रोकें, जैसे इस प्रकार से जो कुंभक प्राणायाम होता है, आप अपने भीतर फेफड़ों में वायु को भर करके रोकते हैं, तो ऐसा करते ही थोड़ी देर में आपको बल प्राप्त होता है। आपको लगता है कि नहीं, मुझ में ताकत आ रही है। तो जो लोग नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं तो उनको बल क्यों नहीं प्राप्त होगा, उनका रोग क्यों नहीं ठीक होगा? तो सारे जो रोग हैं उनको शांत करने का उपाय प्राणायाम भी है। इसलिए जो आयुर्वेदज्ञ चिकित्सक हैं वो रोग की दवा देने के साथ साथ प्राणायाम भी करना सिखाते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे फूफा जी की आयु जिस समय करीब 70 साल की थी और वो 30 साल से चश्मा लगा रहे थे, मात्र 15-20 दिन अनुलोम विलोम क्रिया करने से ही उनका 30 साल पुराना चश्मा उतर गया और आज भी वो 10 साल से चश्मा नहीं लगा रहे हैं। आज भी इस समय उनकी आयु 80 वर्ष की होगी। उनको 2 बार हार्ट अटैक पड़ा था, लेकिन जब ये क्रिया करने लगे तो आज तक फिर तीसरा हार्ट अटैक नहीं हुआ। तो ये तो प्राणायाम का प्रभाव है, वायु का प्रभाव है। और हार्ट अटैक भी जो होता है वो वायु विकार के कारण ही होता है। पहले जब शरीर में गैस बनेगी, गैस का अटैक होगा, क्रमशः उसका जब बढ़ता चला जाएगा तब फिर वो हार्ट अटैक के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये सभी लोग जानते हैं। तो मैं ये जो बताया मैंने कि वायु वायु प्राण है, वायु वायु ही प्रभु है, तो सम्यक रूप से अगर आप प्राणायाम सीखते हैं, वो करते हैं, तो आपकी आयु की रक्षा होती है। अब जहां पर प्रदूषण नहीं है, वायु प्रदूषण जहां नहीं है, वहां के लोग ज्यादा जीवित रहते हैं। आजकल तो जो बड़े बड़े शहरों में है, जितने बड़े शहर, जितने विकसित शहर, उतने ही रोग और वहां उतने ही बड़े बड़े हॉस्पिटल, लेकिन ठीक कर नहीं पाएंगे, वो नहीं कर पाते। चाहे आप 1 लाख रुपए फीस देकर के भी किसी डॉक्टर को हायर करें, अगर वायु का सही आपके पास इलाज नहीं है सही ढंग से, तो आयु की रक्षा कोई नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं ना कि बड़े बड़े पैसे वाले जो करोड़ों में खेलते हैं, असमय उनकी मृत्यु हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि कौन सा रोग था। बिल्कुल फिट दिखने वाले, जिम जाने वाले, बिल्कुल शरीर स्वस्थ दिख रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, पैसा की भी कमी नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, आया हार्ट अटैक, चले गए इस प्रकार से। तो चूंकि बात यह है कि वो शरीर तो दिख रहा है कि स्वस्थ है, लेकिन भीतर से रोगों ने उसको जर्जर कर दिया है, पता ही नहीं चलता कब क्या हो गया। और कोई भी डॉक्टर, कोई भी सर्जन, कोई भी हॉस्पिटल, वो उस चीज का इलाज करता है जो उसको दिखती है, जो नहीं दिखती उसका इलाज वो नहीं कर सकता। तो अब जो प्राणायाम इत्यादि से जो लाभ प्राप्त होते हैं, इसको तो लोग डिनाई करते हैं, बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं कि ये सब क्या है, भारतीय पद्धति में है ही क्या। असल में क्या है कि हमारे देश में आज भी मानसिक गुलामों की कमी नहीं है, हर चीज में। वो पश्चिमी जगत को फॉलो करते हैं और पश्चिमी जगत में कितना अंधकार है,
ये किसी से छिपा नहीं है। वो पैसे में, हर चीज में, फैशन में, ज्ञान विज्ञान में भले ही आपको दिखते हों कि श्रेष्ठ हैं, परंतु उनकी जो जीवन प्रणाली है, उनका जो रहन सहन है, वो दूषित है, गलत है और वैदिक नियमों के बिल्कुल प्रतिकूल है। इसलिए वहाँ के लोग जीवन का सुख नहीं उठा पाते। हमको आपको दूर से दिखता है कि बड़े सुखी हैं, लेकिन जो सुख भारतीयता में है, जो वैदिक पद्धति में है, वो सुख उनको नहीं है। जहां पर वो 10-20 लाख रुपए का इलाज करके ठीक नहीं कर पाते, वहां पर हमारे देश में अत्यंत जो है कम पैसों में आयुर्वेदिक दवाइयों, अगर वो सही ढंग से बनाई गई है तो आयुर्वेदिक दवाइयों से लोग लाभ प्राप्त कर लेते हैं। और कभी कभी तो दवाइयों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, मात्र योग के माध्यम से। अब जैसे मंत्र चिकित्सा है, लोगों को मंत्रों का जब, तो इसको क्या करते हैं कि पश्चिमी जगत इसको मानता नहीं। हमारे यहाँ भी जो कूप मंडूक लोग हैं, जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं, मैं उनको कूप मंडूक की संज्ञा दे रहा हूं, ऐसे लोग वो भारतीयता की जो प्रणालियां हैं उनका, उनको रिजेक्ट करते हैं। नेचुरोपैथी को और भी चिकित्सा प्रणालियां हैं, उनको वो मानते ही नहीं है। और हद तो तब हो जाती है जब सरकार भी इन चिकित्साओं को मान्यता ना दे करके इनके खिलाफ कानून बना देती है। तो क्या है, अपनी ही संस्कृति को आप कुठाराघात के द्वारा मार रहे हैं और कहते हैं कि आप हिंदुस्तानी। काहे कि हिंदुस्तानी, जब आपने ऐसे ऐसे कानून बना रखे हैं जो कि भारतीयता पर ही कुठाराघात करते हैं। अब एक डॉक्टर विश्वरूप राज चौधरी हैं, नेचुरोपैथ हैं बेचारे, बिना पैसे के लोगों को इलाज बताते हैं, किसी को कोई दवा नहीं देते, केवल वो फल और सब्जियों के द्वारा लोगों को बताते हैं कि कैसे लोग ठीक हों, कैसे क्या हो। एक जो है वृद्ध माताजी हैं, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का इलाज करती थी नेचुरोपैथ से, उनका भी चैनल है यूट्यूब पर, तो वो लोग किसी को दवा नहीं बताते। नेचुरोपैथ मतलब प्रकृति से, प्राकृतिक उपायों के द्वारा रोगों को ठीक कर देना, ठीक हो जाना। तो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी पर मुकदमा कर दिया गया, उनको डर सता रहा है कि उनको जेल ना हो जाए। भाई वो किसी को दवा नहीं दे रहा है, केवल फलों को सब्जियों को सही तरीके से खाने की सलाह दे रहे हैं, तो इसमें क्या बुरा कर रहे हैं। लेकिन इस देश का यही है, आप लोगों ने देखा होगा ना कि अभी साल भर से किसानों के नाम पर जो आंदोलन चल रहा था, जो कि पूर्णतया राजनैतिक था, एक साल प्रोटेस्ट किया, एक भी आदमी जेल में नहीं गया। शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिल्कुल मतलब वो देश के विरोध में था, कितने लोग जेल में गए आप बताइए, 2-4 गए होंगे। इसके बाद अभी स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती गिरी महाराज और जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल भेज दिया गया। 1-2 दिन उन्होंने मात्र किया था प्रोटेस्ट यति महाराज ने, और जेल चले गए। तो हम क्या समझें, ये देश गुलाम है या ये देश आजाद है, जहां पर आर्य धर्म की, हिंदू धर्म की बात करने पर आपको जेल भेज दिया जाएगा। और इस देश के खिलाफ जो बोलते हैं वो छुट्टा घूम रहे हैं। और ये
वहां हो रहा है जहां पर कहते हैं कि राष्ट्रवादियों की सरकार है, भाजपा की सरकार है, क्या कहा जाए? आप लोग समझदार हैं, समझिए। मेरा जो काम है वो आप लोगों को सत्य से अवगत करवाना है, और मैंने ये सोचा है कि कोई मुझ पर ये न कहे कि बस इनके मन में जो आया बोल देते हैं, इसलिए मैं अब आपको सप्रमाण यानी उसमें श्लोक वगैरह पढ़ करके उनकी व्याख्या करके आपको मैं बताता हूँ, जिससे आपको इस बात का विज्ञान हो सके कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, चाहे मैं कोई प्रमाण दूं या ना दूं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूं। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।